वहीं उत्तराखंड में राज्यसभा की एक सीट के लिए चुनाव होना है और उत्तराखंड में एक सीट के लिए 3 उम्मीदवार मैदान में हैं। किसी ने भी अपना नाम वापस नहीं लिया है और एक कांग्रेस उम्मीदवार है जबकि 2 निर्दलीय उम्मीदवार हैं। कांग्रेस ने प्रदीप टमटा को उम्मीदवार बनाया है जबकि अनिल गोयल और गीता ठाकुर ने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर नामांकन किया है। दोनों निर्दलीय उम्मीदवार बीजेपी का समर्थन हासिल होने का दावा कर रहे हैं। जो 3 नामांकन पत्र हमें प्राप्त हुए थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 1 और 2 निर्दलीय उम्मीदवारों के, उनमें से किसी भी प्रत्याशी द्वारा अपना नामांकन वापस नहीं लिया गया। नाम बता पाएंगे सर कौन किससे थे? श्री प्रदीप टमटा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, श्रीमती गीता ठाकुर निर्दलीय एवं श्री अनिल गोयल निर्दलीय। अब जो हमारी मतदान की तिथि है वो 11 जून निर्धारित है। 9 बजे प्रातः से 4:30 बजे तक मतदान की प्रक्रिया होगी और 5 बजे से मतगणना प्रारंभ हो चुकी है।